हाय फ्रेंड्स, मैं पिछले वाले अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ बाइनरी ट्री क्या होता है और क्या होता है ट्री, क्या होता है ट्री, कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, जो वीडियो बना रखे हैं आगे, तो वो वाला प्रीवियस वीडियो पहले आप देख लें तो उसके बाद में यहाँ पर आएँ, ज़्यादा सही होगा। और हम लास्ट में आपको ये जो नोट्स है वो नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ट्री का ट्रेवर्सिंग करना। ट्रेवर्सिंग करने का मतलब होता है कि हर ट्री के जो नोड्स हैं उनको हम विजिट करना, ठीक है। तो यही इस सारे चीज़ में यही चीज़ें बताई गई है कि जो ट्री है उसे हम इसे कहते हैं बाय, मतलब ट्रेवर्सिंग ट्री को हम सर्च ट्री भी कहते हैं, उसके बाद में डिस्प्ले ट्री भी कहते हैं। और ट्रेवर्सिंग ट्री जो होता है वो ग्राफ ट्रेवल्स करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें बताई रखी हैं और इसमें हम तीन टेक्निक का यूज करके हम ट्रेवल्स करते हैं ट्रेवल्सिंग ट्री को, ठीक। तो वो टेक्निक हमारी क्या क्या है, री ऑर्डर ट्री ट्रेवल्स है और इन ऑर्डर है और पोस्ट ऑर्डर है। तो हम देख लेते हैं कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या होता है। तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर के बारे में हम बताते हैं आपको। आपको हम सिंपल भाषा में जो बताएं तो प्री ऑर्डर का जो होता है, मतलब यदि हम साफ भाषा में बताएं तो आपको ज़्यादा थ्योरी का ना यूज करते हुए हम प्रैक्टिकली बात करें तो इन ऑर्डर जो होता है, जैसे इन ऑर्डर आपने देखा होगा, जैसे ए प्लस बी है तो यहाँ पर आपने देखा ये ए है, जो इसको हम मान लेते हैं एक नोड और प्लस को हम एक नोड और बी को एक नोड, तो हो जाएगा हमारा जो ये है ये हो जाएगा लेफ्ट नोड लेफ्ट में है। और उसके बाद में क्या जो प्लस है वो बीच में है, इसे हम नोड मान लेते हैं। और उसके बाद में बी जो है वो राइट में है, इसे हम राइट नोड मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि बीच में हमारा नोड होता है, ठीक है। तो जो हमारे इस तरह के होते हैं इन्हें हम इन ऑर्डर कहते हैं। जैसे इन ऑर्डर में हमने देखा होगा इन ऑर्डर बनाते हुए, जब हम प्री ऑर्डर कभी हमें दिया होता है तो हम इन ऑर्डर बनाते हैं। स्टैक में जब हमने स्टैक का यूज करते हैं उसमें, तो प्री ऑर्डर से इन ऑर्डर बनाना, इन ऑर्डर से प्री ऑर्डर बनाना, ये सब हम बनाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उसी प्रकार से देखा कि ये है उसके, तो ये हमारा क्या होगा लेफ्ट, तो यहाँ पर हमने फार्मूला बना लिया इसे LNR, मतलब लेफ्ट नोड फिर राइट। पहले हम कैसे ट्रेवल्स करेंगे, पहले हम आएंगे लेफ्ट में देखेंगे, उसके बाद में फिर हम कहाँ पर जाएंगे नोड पर देखेंगे, नोड से फिर आएंगे हम राइट में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इन ऑर्डर हो जाएगा ट्री, ठीक। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे पोस्ट ऑर्डर की बात, ऊपरी ऑर्डर की बात करें, तो प्री मतलब पहले, ऑर्डर यानी नोड पहले होगा उसके बाद में लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, यानी हम क्या करेंगे पहले क्या ट्रेवल्स करेंगे, पहले नोड ट्रेवल्स करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने नोड ट्रेवल्स किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे फिर लेफ्ट में जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे फिर राइट में जाएंगे। तो यहाँ पर नोड लेफ्ट एंड राइट, उसके बाद में पोस्ट ऑर्डर में हमने देखा होगा कि पोस्ट ऑर्डर बनाते हैं तो जो चीज़ें हमारी होती हैं नोड होता है यानी ऐड करने का या बात करें तो ये लास्ट में होता है, इसे हम लास्ट में कर देते हैं, ऑपरेटर को हम लास्ट में कर देते हैं। तो वही ऑपरेटर को हम नोड बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं, तो समझाने के पर्पज से यहाँ पर नोड जो है वो हमारा प्लस है तो लास्ट में नोड हो गया। तो लेफ्ट पहले हम लेफ्ट ट्रेवल्स करेंगे, राइट ट्रेवल्स करेंगे, देन नोड को ट्रेवल्स करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके माध्यम से हमने फार्मूला देख ही लिया, अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको ट्री बनाकर दे दिया जाता है, उसे लेफ्ट इन ऑर्डर में या प्री ऑर्डर में पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने को बोला जाता है, तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले उस ट्री में हम लेफ्ट से मतलब नीचे से नहीं क्या करेंगे ट्रेवल्स करना स्टार्ट करेंगे, फिर नोड लिखेंगे, फिर क्या राइट से जाएंगे। उसके बाद में प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले हम नोड जो हमसे प्री ऑर्डर बोला तो हम प्री ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम पहले नोड ट्रेवल्स करेंगे, फिर लेफ्ट ट्रेवल्स करेंगे, फिर राइट ट्रेवल्स करेंगे। उसके बाद में जब हमसे पोस्ट ऑर्डर की बात किया तो पोस्ट ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट ट्रेवल्स करेंगे, उसके बाद में राइट ट्रेवल्स करेंगे, उसके बाद में हम नोड ट्रेवल्स करेंगे, ठीक। और यदि हमें कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हमको नोड मतलब
इसमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में बना के दे दिया जाता है, उसे हमें ट्री में कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे कि जो हमारे बने बनाए मतलब पहले से नहीं हैं, इन ऑर्डर दो चीज़ें दी होंगी, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर भी दिया हो सकता है या प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर दिया हो सकता है, मतलब दो चीज़ें आपको यूज करके वहाँ पर ट्री आपको बनाना है। तो ट्री बनाने के लिए जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर आपको दिखाई दे पड़ रहा होगा कि अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको पहले इन ऑर्डर दिया है, उसके बाद में पोस्ट ऑर्डर दिया है, ठीक है। अब इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे फार्मूला पर, ठीक है। फार्मूला हमारा ये है या टेक्निक हमारी ये है कि यहाँ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर दिया है और पोस्ट ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में पहले क्या होता है, लेफ्ट होता है, उसके बाद में नोड ट्रेवल्स करते हैं, फिर राइट ट्रेवल्स करते हैं। और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट फिर नोड, यानी लास्ट में नोड होता है। तो सबसे पहले हम नोड को पकड़ेंगे, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर हमको दिया है, तो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में नोड होता है, तो लास्ट में पोस्ट ऑर्डर में जाकर हम लास्ट में देखेंगे क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमने पोस्ट ऑर्डर में जैसे कि आए और देखा कि यहाँ पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में नोड हमारा ए है, ठीक है। तो नोड को हम क्या करते हैं, नोड को ऐसे पहले लिख लिया मैंने, ए को मैंने पहले लिख लिया पहले स्टेप में, ठीक है। अब मैंने पहले लिख लिया, अब ए को देखेंगे इन ऑर्डर में जाकर। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में हमें पहले नोड मेरा बीच में होता है, तो ए हमारा क्या है, नोड है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी जो है इन ऑर्डर में भी ए हमारा नोड ही होगा। तो हम जाकर इन ऑर्डर में देख लेते हैं, इन ऑर्डर में हमने गया तो देखा ए जो है ये बीच में है, ठीक है, बीच में ए है। अब इसके जो लेफ्ट साइड हमने देखा, यहाँ पर फार्मूला में देखो, लेफ्ट साइड में नोड के लेफ्ट साइड में लेफ्ट होता है और उसके बाद में एक राइट होता है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट में देखा कि बी आई डी है और राइट में क्या है, सी जी ई एच एफ है, ठीक है। तो हम लेफ्ट के नोड के लेफ्ट साइड में ये लिख कर देंगे और राइट साइड में ये कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में हमने पी आई डी लिख दिया और राइट साइड में सी आई एफ एच लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद में मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, तो एक एक स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप लेकर हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक स्टेप ये वाला लेंगे, लेफ्ट साइड का ही सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो आप पहले राइट साइड का भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पहले लेफ्ट साइड का सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट साइड में बी आई डी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये मेरा पोस्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, बी आई डी हमारा इन ऑर्डर हो गया, ठीक। अब बी आई डी को हमने इन ऑर्डर में लिख लिया ना। अब बी आई डी हमारा मतलब क्या है, इन ऑर्डर में है। अब हम जब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले प्री पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे। जो पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर दिया है, तो इन ऑर्डर से हम ये सिर्फ निकालेंगे कि लेफ्ट में कौन रहेगा और राइट में कौन रहेगा, और प्री ऑर्डर से हम सिर्फ नोड निकालेंगे। तो नोड और तो यहाँ पर हम बी आई डी देखते हैं, ये यदि हम दोनों साथ में लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये एलिमेंट हम देख चुके हैं, ये एलिमेंट हमारा हो चुका है। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये सॉल्व करना होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले एक साइड का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम दोबारा दूसरी साइड को चलते हैं। तो हम इस साइड वाला एलिमेंट मतलब इस साइड वाला हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बी आई डी, तो सबसे पहले बी आई डी में यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाले में पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर में कि बी आई डी कहाँ है पोस्ट ऑर्डर में बी आई डी। तो यहाँ पर देखिए साथ में बी डी आई करके है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पोस्ट ऑर्डर ये हो गया, अब इसका पोस्ट ऑर्डर होगा मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी, ठीक। अब बी जो है वो हमारा क्या होगा, जाएगा नोड हो जाएगा, वो फर्स्ट नोड हो जाएगा, क्योंकि नोड लास्ट में होता है पोस्ट ऑर्डर में, तो लास्ट में होता है मतलब बी हमारा क्या है, यहाँ पर नोड है। अब हमें ये पता करना है कि आई डी लेफ्ट में है या राइट में है, कौन सा एलिमेंट। तो इसके लिए हम जाएंगे किसमें, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में गए, देखिए बी कहाँ है, बी हमारा यहाँ पर मिला हमें। अब बी हमारा यहाँ पर हमें मिला, तो इसके राइट में आप देखेंगे तो आई डी है, इसका मतलब बी के राइट में आई डी होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बी के लास्ट में हमने आई डी एड कर दिया, ठीक। अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यही दोबारा हमको सॉल्व करना है। अब हम दोबारा हम कहाँ, यहाँ पर जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम दोबारा आई डी देखेंगे,
फिर अब यहाँ पर लास्ट में नोड होता है, इसका मतलब डी, ठीक है, लास्ट में होगा। अब लास्ट में डी है, और अब फिर डी हमने देखा ये नोड है। अब नोड को अब हमें देखना है कि आई हमारे लेफ्ट में है राइट में है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इन ऑर्डर में जाएंगे। अब इन ऑर्डर में डी देखें, तो डी इन ऑर्डर में जो आई है हमारा, वो आई किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, इसका मतलब आई को हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ फोर्थ स्टेप में आई को लेफ्ट साइड ऐड कर दिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, राइट साइड को भी इसी तरह हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो राइट साइड को सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है सी एफ जी ई एफ करके, तो हमारा ये पोस्ट ऑर्डर यानी एफ, एफ से हम जाकर देखेंगे एफ जो है वो कहाँ है, ठीक। अब यहाँ पर हमने देख लिया था जैसे कि ए देखा था, अब उसके बाद में ई आया, ठीक। जो ई है, ई हमारा कहाँ है, ई हमारा राइट साइड में था। अब राइट साइड में यहाँ पर कहाँ है, तो राइट साइड में ई हमारा यहाँ है, इसका मतलब जो और ये वाले सारे अंक होंगे यहाँ से, ये सारे कितने होंगे, राइट में होंगे, ओ लेफ्ट में होंगे, और ये राइट में होगा ई के। तो यहाँ पर हम ई को नोट करके, और ई को हमने नोट किया, और सी और जी को लेफ्ट में किया, और एच पी को राइट में किया। अब यहाँ पर सी को सी देखेंगे, इसी तरह हमने सी देखा, तो सी को हमने एच राइट में किया, लेफ्ट में किया, और उसके बाद में के को राइट में किया, इसी तरह हम सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ना, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वहाँ पर हम सही से यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे लेफ्ट ऑर्डर का यूज, मतलब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, ठीक। तो मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।